ओके, तो आप सबका स्वागत है परफेक्ट गाइस चैनल में। मैं हूं प्रभाव विक। तो मैं पोको M2 एक हफ्ते से यूज़ कर रहा हूं और इसमें मैंने मेन सिम भी डाल दी थी, तो एज अ प्राइमरी डिवाइस काफ़ी टाइम हो गया इसे यूज़ करते हुए। और अच्छी तरीके से आपको बता सकता हूं कि ये फ़ोन आपको 11,000 में खर्चने चाहिए कि नहीं, और जिस तरीके से आपको रिव्यूज़ मिल रहा है कि वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन है, वो भी आपको यहाँ पर सच्चाई मिल जाएगी। सबसे पहले, शुरू करने से पहले आपको ये बिल दिखा देता हूँ। तो ये बिल इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये आपको हर तरीके से ऑनेस्ट रिव्यू मिलने वाला है, क्योंकि मैंने इस पर इन्वेस्ट किया है। किसी तरीके से ये ब्रांड मुझे नहीं बोल रहा कि इसका इसकी तारीफ करो, या कोई दूसरा ब्रांड इसको ये नहीं बोल सकता कि इसकी बुराई करो। तो ये कंप्लीट तरीके से अनबायस्ड रिव्यू होने वाला है। तो डिस्प्ले से शुरुआत करते हैं, इसके स्पेक्स क्लियर करवा देता हूँ आपको। तो इसमें आपको फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलती है, 6.5 इंच की काफ़ी बड़ी डिस्प्ले है। वाइड वन L1 का सपोर्ट है और HDR का आपको सपोर्ट नहीं मिलता। यहाँ पे HDR जो डिस्प्लेज होती हैं उनमें मेनली मिसिंग ही होता है इस प्राइस में। बाकी बता दूं कि काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले है। एक ऐप में मैंने चेक किया था, 381 API मिल जाती है इसमें। तो आप अगर बाहर जैसे ब्राइटनेस में बहुत ज़्यादा सनलाइट में यूज़ करना चाहते हैं तो काफ़ी हद तक ये विजिबल है और ओके लगी मुझे वहाँ पे। बाकी बता दूं कि यहाँ अमेज़ोन में फुल HD वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि अमेज़ोन का अकाउंट था मेरे पास प्रीमियम वाला, और मैंने चेक किया, मैंने मैक्सिमम पे इसका रेजोल्यूशन रख दिया, लेकिन वाइड वन L1 होने के बावजूद भी वहाँ पे फुल HD का सपोर्ट नहीं मिलता। तो ये हो सकता है छोटा सा बग है, आगे फ्यूचर अपडेट्स में फिक्स हो जाए, लेकिन फिलहाल वो वर्क नहीं कर रहा है। एंड नेटफ्लिक्स पे मैं चेक नहीं कर पाया, क्योंकि इतने बड़े अभी आदमी नहीं बने हैं कि नेटफ्लिक्स का अकाउंट रख पाएं, तो यहाँ पे मैं उसमें चेक नहीं कर पाया, लेकिन अमेज़ॉन में वर्क नहीं कर रहा है। बाकी एक और बात बता दूं कि काफ़ी बड़ी डिस्प्ले होने के बावजूद ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। कभी कभी डेफिनेटली यार आपको डिस्प्ले के ऊपर तक पहुंचने के लिए दो हाथ का यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन जब आप इसे यूज़ करना शुरू करोगे तो हाथ में इतना ज़्यादा हैवी फील नहीं होता ये, और काफ़ी ज़्यादा स्लिम बनाया गया है ये फ़ोन। तो सही में काफ़ी अच्छा ओवरऑल इसे पैकेज बना दिया गया है उस डिस्प्ले के साथ लगा के। और ये भी ध्यान रखना है बात कि इसमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है, तो इतनी बड़ी बैटरी के साथ इन्होंने जो मैनेज किया है वो काफ़ी अच्छा है। और बैटरी ड्रेन के लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बनाई थी जिसमें मैंने इसे ड्रेन किया, और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, और बैटरी की परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी सही लगी। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में या पिंड कमेंट में मैं दे देता हूँ, इस वीडियो को जाने के बाद आप उस बैटरी ड्रेन को भी वीडियो के टेस्ट को देख सकते हैं। तो बैटरी परफॉर्मेंस तो काफ़ी सही है, लेकिन चार्ज करने में इसमें जो टाइम लगता है भाई कमाल का है। 10 वॉट का चार्जर साथ में दिया है कंपनी ने, और 18 वॉट का ये चार्जर सपोर्ट करता है। और वो जो 10 वॉट का चार्जर है, मैंने कई वीडियोस में देखा है कि लोगों को 2 घंटे 20 मिनट, 2 घंटे 40 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट लग गए, तो 2.5 घंटे तो आपको डेफिनेटली इस पर लगने वाले हैं अगर आप इसे 0 से 100 तक चार्ज करोगे, जो बहुत ज़्यादा टाइम है। और अगर आप सोच रहे हो कि 18 वॉट पे हम लेके शिफ्ट हो जाए तो सिर्फ 15 मिनट का आपको ज़्यादा से ज़्यादा फर्क मिलता है, तो 2 घंटे 20 मिनट से तो डेफिनेटली आप कोई भी चार्जर ले लो उसमें लगने वाला है। बाकी अब मूव करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की तरफ। तो इसमें आपको MediaTek का G80 प्रोसेसर दिया गया है जिसे पेयर किया गया है 6 GB रैम के साथ। तो परफॉर्मेंस तो डेफिनेटली काफ़ी सही रहने वाली है। आपको एंटीटू स्कोर्स और Geekbench स्कोर्स में चेक करवाता हूँ, तो काफ़ी कमाल के स्कोर्स आते हैं, और आप इस पर गेमिंग जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी, पबजी और अपने S9 काफ़ी स्मूथली आप खेल सकते हैं, और मेजर फ्रेम ड्रॉप्स भी आपको कहीं नहीं मिलते जब तक ये फ़ोन हीट नहीं होता। जी हाँ, ये थोड़ा बहुत फ़ोन जो है हीट हो जाता है, और मैक्सिमम टेम्परेचर जो इसमें मैंने मेज़र किया है वो 46-48 के बीच में रहता है इसका मैक्सिमम टेम्परेचर। तो फ़ोन हीट होता है जैसे सारे MediaTek के चिपसेट होते हैं, और वहाँ पे थोड़ा जब मैक्सिमम टेम्परेचर पे पहुँचता है तो थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिलते हैं। बाकी अगर आप नॉर्मल पंखे चला के या कूलर चला के खेलोगे तो वहाँ पे मेनली ये फ़ोन इतनी जल्दी गर्म नहीं होता, और आपको कहीं भी मेनली फ्रेम ड्रॉप नहीं मिलते, और परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। एक रिव्यू मैंने यार फ्री फायर की थोड़ी सी बेइज्जती कर दी थी, तो हाँ आप इस पर फ्री फायर भी खेल सकते हो, और क्या गेम है भैया, बहुत कमाल का गेम है, क्या अच्छा गेम बनाया है, समी में बहुत अच्छे ग्राफिक्स हैं, सही में हर चीज़ उसकी बहुत कमाल की है। चल झूठा। खैर, आप सारे गेम्स पे ट्राई कर सकते हैं। बाकी बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के साथ, जो इतना पावरफुल चिपसेट दिया है उसके साथ कैसा सॉफ्टवेयर इन्होंने एक्सपीरियंस दिया है। तो बता दूं कि इसमें आपको MIUI 11 का अपडेट मिलता है, MIUI 12 अभी नहीं है इसमें। और फर्स्ट टाइम जब इसे स्टार्ट करोगे आप तो काफ़ी अजीब अजीब से लूडो, फूडो, जिली पीली ऐप करके अलग अलग तरीके से बहुत सारा ब्लोटफेयर मिलता है जिन्हें आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट बूटअप में थोड़ा सा इनिशियल इंप्रेशन जो है काफ़ी ख़राब है इस सॉफ्टवेयर का। आपको इसमें फेस मोजी करके एक कीबोर्ड भी मिलता है जो डिफ़ॉल्ट रहता है जब तक आप गूगल कीबोर्ड की तरह चेंज ना कर दो उसकी तरफ, लेकिन फिलहाल ऐसा थोड़ा सा सॉफ्टवेयर यहाँ पर ध्यान दिया है। बाकी हाँ, एक पॉजिटिव पॉइंट है, यहाँ पर आपको कोई एड्स नहीं मिलती क्योंकि ये पोको ब्रांड के अंडर आता है, बट ओवरऑल जितना MIUI को ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए इन लोगों को उतनी ये ऑप्टिमाइज नहीं है, और थोड़े बहुत लैग्स या स्टटर्स आपको देखने को मिलते हैं इतने पावरफुल परफॉर्मेंस या इतने पावरफुल चिपसेट होने के बावजूद और 6 GB रैम होने के बावजूद थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको ये ब्लोटवेयर और कुछ ऐसे कीबोर्ड मिलके इतना कमाल का नहीं बनाते।
बाकी अभी तक अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ यार एक कमेंट कर देना। एक कमेंट करने से ये थोड़ी सी वीडियो सर्च में जाती है, और जो भी मैं मेहनत कर रहा हूँ और इस तरीके के और ऑनेस्ट रिव्यूज़ लाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज़ यार एक कमेंट कर देना। आप कुछ भी कमेंट कर सकते हो, वीडियो से रिलेटेड, वीडियो से अनरिलेटेड, जरूर जाके कमेंट कर देना। एंड अब कैमरे की तरफ आगे बढ़ने से पहले कि कैमरा कैसा है, कैसी परफॉर्मेंस है कैमरे की, मैं थोड़ी छोटी चीज़ें भी कवर करना चाहता हूँ कि स्पीकर्स काफ़ी ज़्यादा लाउड हैं, हेडफोन जैक का आउटपुट काफ़ी अच्छा है, आपको यहाँ पे सिक्योरिटी से रिलेटेड आपको फेस अनलॉक भी मिलता है, फिंगरप्रिंट सेंसर है वो भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, और माइक की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी सही लगी मुझे। अभी तक मैंने जितने भी गेम्स खेले उसमें कभी भी टीममेट ने ये नहीं कहा कि आपका माइक ख़राब है, और कभी भी मैंने कॉल की किसी को तो ये नहीं कहा कि यार कैसे फ़ोन से आप फ़ोन कर रहे हो, माइक क्वालिटी इसमें डिसेंट मिलती है और आपको वहाँ पर कोई इशू नहीं मिलेगा। अब कैमरे की तरफ आगे बढ़ते हैं तो आपको इसमें क्वाड कैमरा मिलता है पीछे, जिसके मेगापिक्सल्स आपको बता दूं 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। और सीधे सारे कैमरे अगर एक साथ में एक वर्ड में बताऊं तो कैमरा काफ़ी ज़्यादा ख़राब एक्सपीरियंस आपको देने वाला है, और कैमरे के लिए अगर आप फ़ोन लेना चाहते हो तो बिल्कुल ये फ़ोन वो नहीं है जो आप कंसीडर कर सकते हो। अगर 2-3 हज़ार और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दो, क्योंकि सो काफ़ी जगह आपने देखा होगा कि 11 हज़ार में वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन है, लेकिन कैमरे में ये वन ऑफ द बेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ मिलती है, डिटेल्स भी मिसिंग है, बाकी एक्सपोजर मेंटेन तो काफ़ी सही करता है, लेकिन जो डिटेल्स मिसिंग होती हैं, जो नॉर्मल डे लाइट में अच्छी जगह पे अच्छी लाइटिंग कंडीशन में भी ये आपको काफ़ी ख़राब क्वालिटी दे जाएगा, ये मैं आपको कंसीडर करवा सकता हूँ। इवन फ्रंट कैमरे पे भी यही सेम लागू होता है, आपको 8 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है सामने, और बता दूं कि उसकी भी क्वालिटी ऐसी ही है, काफ़ी नॉइज़ आती है, आप नॉर्मल और लो लाइट में तो आप सोचना भी मत कि इस पर कोई फोटोज़ आप लेओगे, आपका काम चलाओ मतलब नॉर्मल कभी व्हाट्सएप पे कोई किसी को भेजना है ऐसी काम चलाओ कर सकते हो, लेकिन ऐसी कमाल की फ़ोटोज़ नहीं है कि आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे आप एडिट करके उसे अपलोड कर पाओ, तो वो चीज़ थोड़ी सी उसमें ऐसी नहीं मिलती, तो कैमरे के लिए आप इसे बिल्कुल कंसिडर नहीं कर सकते। वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में भी आपको 1080p 30 fps तक मैक्सिमम आप रिकॉर्ड कर सकते हो, तो जी हाँ फुल HD में आपको 30 fps मिलते हैं। बाकी फोकस मेंटेन, ये थोड़ा सा सैंपल आपको दिखा देता हूँ, फोकस मेंटेन तो काफ़ी सही रखता है कि एक्सपोजर मेंटेन या लाइटिंग कंडीशंस वो तो सही है, लेकिन मैक्सिमम आप 30 fps पर ही इस पर रिकॉर्ड कर पाओगे। सो कैमरा इस फोन का वीकेस्ट पॉइंट होने वाला है। बाकी इस रिव्यू को ओवरऑल अगर मैं सबमिट करूं आप लोगों को तो गुड पॉइंट्स थोड़े से बता देता हूं कि 6 GB रैम, मीडियाटेक हीलियो G80 प्रोसेसर, 5000 mAh बैटरी और फुल HD+ डिस्प्ले, ये इसके सबसे बेस्ट पॉजिटिव पॉइंट है जो आपको 11000 में, अगर ये सारे आपको पसंद आते हैं तो डेफिनेटली फ़ोन आपके लिए बना है। अगर नेगेटिव पॉइंट की बात की जाए तो ये फ़ोन हीट होता है, 2 घंटे से या 2.5 घंटे से ऊपर आपको इसमें फ़ोन चार्ज करने में लग जाएंगे, कैमरा बहुत ज़्यादा ख़राब है इसका, और इवन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं मिलता जितना इस प्रोसेसर और इतनी ज़्यादा रैम के साथ मिलना चाहिए। तो ये थोड़ी सी पॉइंट है जिन्हें आप कंसीडर कीजिए कि आपके लिए ये फ़ोन बना है कि नहीं। बाकी पॉजिटिव पॉइंट्स अगर आपको पसंद आते हैं तो ये आप फ़ोन ले सकते हैं, आपके लिए बेस्ट फ़ोन होगा 11000 में, लेकिन अगर आपको नेगेटिव पॉइंट इसके ज़्यादा मायने रखते हैं तो आपके लिए बिल्कुल भी बेस्ट फ़ोन नहीं होने वाला। तो डेफिनेटली मैं ये नहीं कह सकता कि वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन है 11000 में, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि किन के लिए ये बना है और किन के लिए ये नहीं बना है। तो आई होप आप लोगों को इस तरीके के ऑनेस्ट रिव्यूज़ पसंद आ रहे होंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है, और कैसे मैं इन फोन्स पे इन्वेस्ट करता हूँ ये मुझे ही पता है। तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल कि इस तरीके से आप कुछ एक ऑनेस्ट रिव्यूज़ देख पाओगे एक ऑनेस्ट चैनल पे। आई होप सबको वीडियो पसंद आई है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अप फॉर ऑल।